हाँ दोस्तों, ये वाले इस पे सबसे पहले हम टेपिंग कर लेंगे। टेपिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि वी शेप बनाएंगे। ये अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन जब इस पे पेंट हो जाएगा तो आपको दिखाई देगी कि किस तरह से ये टेपिंग लगी हुई है। अभी वाइट पे वाइट टेप है, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रही है। तो सबसे पहले हम टेपिंग कर लेंगे। इस वॉल पर हमने सिंगल पुट्टी लगाई थी, आप चाहे तो डबल पुट्टी भी लगा सकते हैं। और इस तरह से टेक्चर हम बनाएंगे। ये टेक्चर किस तरह से बनता है चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो गुरुमाला है इस पर हमें पुट्टी ले लेना है और बिल्कुल इस तरह से छपके बना लेना है, और वॉल पर बिल्कुल छपके छपके बना लेना है। फनर पर पुट्टी लगा के इस तरह से कुछ छपके बना लेना पहले। और आगे क्या करना है मैं आगे आपको आपको बतलाऊँगा। इस तरह से छपके आपको बना लेना है। पूरी वॉल पे पुट्टी लगा के नहीं बनाना है, केवल इसी तरह से आपको फनर पे लेके और गुरुमाला से चपके बना लेना है। ये कुछ इस तरह से बना लेना है। मैं वीडियो को थोड़ी फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। मैं आगे आपको बतलाऊँगा कि इसको किस तरह से फ्लैट करेंगे। ये बिल्कुल फ्लैट होगी। ये इस तरह से हल्की सी जब कुट्टी सूख जाए तो गुरुमाला को इस तरह से इसके ऊपर चला देना है, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। हल्के बिल्कुल स्मूथ हाथ से गुरुमाला को तला देना है। पहले थोड़ी सी कुट्टी को सूखने दे, हल्की हल्की जब सूख जाएगी तभी इस पर ऐसा इस तरह से अप्लाई करें फनर गुरुमाला। तो इस तरह से इसको फ्लैट कर दे। ये बढ़िया से निकल के आएगी टेक्सचर, एकदम मस्त बने दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको कर देना है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमारी टेक्सचर बन के आई है। कुछ इसी तरह से आपको पुट्टी लगाना है। ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। चलो अब हम कलर बना लेते हैं और इस पर कलर अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये दिखाई दे रही है। कलर होने के बाद और भी बड़ी मस्त लगेगी। ये रेड कलर है, सिग्नल रेड है, लोकल कंपनी सतवा कंपनी का है। तो आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं। लोकल कलर में क्या है, शाइनिंग अच्छी आती है, बिल्कुल ग्लोस रहता है। वैसे ये बहुत मज़बूत कलर है। जो पेंटर भाई हमारे वॉल पर एड वगैरह लिखते हैं वो कलर है ये, जो धूप पानी वगैरह से भी नहीं निकलता, आसानी से नहीं छूटता है। तब इसे पानी मिला लें, लगभग इस पर आपको 500 ग्राम पानी मिलाना है। उसके बाद अच्छे से डिब्बे को साफ करके ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से हिला लेना है। तो हम इसको ढक्कन लगवा कर पेंटर भाई से इसको हिलवा लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये, जितना भी माल बचा हुआ है डिब्बे में। उसके बाद हम इसमें बाल्टी में पलट देंगे इसको। बाल्टी में पलटने के बाद ब्रश से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और पानी कम ज़्यादा लगे आपको तो पानी और मिक्स कर लेना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है कलर, थोड़ा पानी और मिक्स कर लेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दीवार पर आप चाहे तो प्राइमर भी दे सकते हैं और अच्छा बेस्ट काम होगा। इसके बाद इसको ब्रश की मदद से अप्लाई करेंगे और आप रोलर से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ब्रश या रोलर किसी से भी लगा सकते हैं। चलो हम पेंटर भाई से लगवा लेते हैं पूरी वॉल पर कलर। ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप टेक्सचर बना है कुट्टी का। इसके ऊपर जब गोल्ड लगेगा जेरी गोल्ड तो इतना मस्त लगेगा। आप आगे देखना किस तरह से लगाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हैं अब हमारी वॉल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इस पर हमने सिंगल कोट ही करा है, अब भी सिंगल कोट ही करें इस पर।
और ये है जेरी गोल्ड, ये ग्लेज कंपनी का है, जेरी गोल्ड है ग्लेज कंपनी का, देख सकते हैं आप ग्लेज कंपनी का है। आप इंडिगो भी ले सकते हैं, इंडिगो कंपनी का। ये इस तरह से आपको किसी पुष्टि वगैरह पे या बाल्टी के ढक्कन पर माल ले लेना है और इस तरह से इसको स्मूथ स्मूथ हाथ से लगाना है। इस तरह से भी लगा सकते हो रोलर से, और रोलर में हैंडल लगाकर, मैं हैंडल लगा के बाद भी बता देता हूँ आपको, ये इस तरह से हैंडल लगाकर भी आप इसको चला सकते हो। इसमें तो स्मूथ हाथ से चलाए आप इसको ताकि अंदर नहीं जाए। ये इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथ से लगा लेना है। ये भी हम सिंगल कोट लगा रहे हैं, जब डबल कोट लगाएंगे आपको बतलाऊंगा, बहुत निकल के आएगा टेक्सचर एकदम। ग्रुप बचा के लगाना आपको, जो टेपिंग करी थी आपने उस ग्रुप में नहीं जाना चाहिए कलर। ये देख सकते हैं आप, अभी हमारा सिंगल कोट हुआ है, ये सिंगल कोट चल रहा है, ये थोड़ा सूख जाएगा, इस पर हम डबल कोट करके बतलाएंगे आपको डबल कोट में किस तरह से लगता है। टेपिंग भी दिख रही होगी आपको, टेपिंग हमने किस तरह से लगा रखी है इसमें। चलो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ये देख सकते हैं डबल कोट लग रहा है ऊपर ऊपर, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना मस्त लग रहा है डबल कोट में ऊपर की तरफ। मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आप किस तरह से उभर के आया है।